हमें ये बताना हो कि वाई इक्वल टू एफ एक्स का रूट जो है वन रूट कहां से कहां है, लाई बिटवीन ए से बी, तो हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड हम ये देखते हैं कि एफ ए एफ बी क्या प्रूफ कर दें, लेस देन जीरो। दूसरा मेथड हम क्या लगाते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं और एक क्या मान लेते हैं, नया फंक्शन जी एक्स, और उसमें क्या लगा देते हैं, रोल्स रॉल्स रोल्स इन जी एक्स, वो भी किस रीजन में, ए से बी में, वो भी रूट आ एरिया जाता है। और तीसरा मेथड आज अभी जीरो में सीखा, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए से बी एफ एक्स जी एक्स क्या है, जीरो जीरो है। है, तो भी एफ एक्स इक्वल टू जीरो का एक रूट क्या आ जाता है, ए से बी में। बिटवीन जीरो ए से बी में आ तो ये तीन मेथड अलग अलग हो गए ना, ये मेथड अभी सीखा, ये मेथड हमने सीखा था रॉल्स में, ये मेथड हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। तो तीनों मेथड पे बेस क्वेश्चन आते हैं, इस साल इस मेथड पे बेस क्वेश्चन आया है। इस पे फंक्शन लिखे थे और उनका एरिया जीरो आ रहा था, तो इसका मतलब रूट जो है वो ए से बी में आ रहा है। अगर ए से बी में किसी फंक्शन का एरिया जीरो है तो ऑब्वियसली एरिया जीरो कब होगा, जब उसका कुछ पोर्शन पॉजिटिव और कुछ पोर्शन निगेटिव। नेगेटिव। एरिया जीरो नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो कब होगा, जब कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस और कुछ माइनस, अदरवाइज वो जीरो होगा ही नहीं। डन हो गया, तो यस नोट्स में बताया। और बताओ डीआई में और कोई बचा होगा, नहीं बचा होगा। एक ये क्वेश्चन था, नाइन इसमें करेक्शन था ना, ये अच्छा करेक्शन यहाँ पे 5/4 था, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आया, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, लीस्ट वैल्यू है। कहाँ होगी, 4/3 पे। ठीक है और बोलो बस, सर, 80th कौन सा, इसी हाँ कर ला सर। 80th, 80th में कुछ नहीं था, 80th में दो बार LMVT लगानी थी बस, दोनों को ऐड कर देना। क्या 1/2 से 3/2, आ रहा है, 1/2 से 3/2 आ रहा था मेरा। 1/2 से 3/2, इनमें से जिस रीजन में है वो आंसर हो गया। अच्छा ऐसे करना, अरे G2 की वैल्यू 1/2 से 3/2 आ रही है, 1/2 से 3/2 पूरा किस रीजन में आ रहा है, बी में। बी में ये आंसर हो गया। हाँ ठीक अरे यार बस बाकी कर लिए होंगे, हो गया। ये सब बाकी हो। 80 में यही डाउट होगा, 80 में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, बट हाँ G2 की सर जो वैल्यू है वो आ रही है 1/2 से 3/2 के बीच में, तो ये आंसर सही हो गया ना। यस सर ठीक, यस सर और कोई कुछ पूछ रहा है, सर वो कल वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग दे देंगे सर? क्यों कल तुम कहां थे, अरे कल मतलब थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था तो सर आए। हाँ घर में भी जो है नहीं आ रहे हो, सर आज थोड़ा सही लग रहा था तो आ गया आपने। चलो ठीक, एक सेकंड, चलिए हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या।